हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। एंड आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मीनल खान फनी इंटरव्यू विद वॉइस ओवर मैन। इससे पहले हमने इनकी सिस्टर थी एमन खान, उनके इंटरव्यू पे भी रिएक्शन किया था, जिस पर हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। आई होप आप लोग इस वीडियो को भी इतना ही अच्छा रिस्पांस देंगे, इसे शेयर करेंगे। और इनकी सिस्टर की अभी अभी शादी भी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि एमन खान की शादी से पहले लिया हुआ इंटरव्यू है या ये बाद में लिया है। सो चलो देखते हैं। हियर वी गो। जी हाँ, आज हमारे साथ जो छोटी सी बच्ची मौजूद है, वो शो पे पहले भी आ चुकी है। एज कम है, 20 साल की। इतना पसंद किया कि हमें इनको वापस बुलाना पड़ा। अच्छा। नन्ही सी उम्र में इन्होंने अपना डेब्यू किया एक मशहूर ड्रामा से, जिसका नाम था कुद्दूसी साहब की बेवा। इन्होंने कुद्दूसी साहब का कैरेक्टर बखूब निभाया। कुद्दूसी साहब ट्विन सिस्टर है दोनों। पिंक लाइफ वैसी लग रही है ना, तो उसका नाम है मुनीब भट्ट। किसी भी लाइफ में हो, आइए मिलते हैं और जानते हैं सोशल मीडिया की क्वीन और मावरा हुसैन की सौतन खान। मावरा हुसैन इन दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही रहा होगा आई थिंक। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स का उसके 300 बढ़ गए, उसके 2000 से ज्यादा और सोशल मीडिया। नहीं, एमन के अभी भी ज्यादा है। एमन के ज्यादा है? हां, और मावरा के? उसके बता नहीं। मैंने आज इकरा अजीज को बताया कि मेरे पास एक ऐप है जिससे आपके बढ़ने के बजाय दूसरों के कम होते हैं। अच्छा, वो मुझे भी बता। मैं आपको लिंक भेजूंगा, हां, ताकि मैं एमन के काम करके अपने बढ़ा लूं। अभी अगला आपको जो चेक मिला ना, वो सारा आप इकरा अजीज का करियर तबाह करने पे लगा। ये बताएं, 18 साल इकरा अजीज का करियर बहुत सही चल रहा है अभी। 18-19 लगभग। तो ये कैसा हैंडल कर रही हैं आप? मतलब मैं तो 28 साल की उम्र में, तो आप 28 साल के? 18 साल की उम्र में मैं। अच्छा। मैं क्या, मैं तो साइकिलों से हवा निकाल रहा था लोगों की, घर जाके तालियां बजाता था, बहुत खुश होता था। आपने इतना कुछ अचीव कर लिया? साइकिलों में से हवा बचपन में निकाल चुकी हूँ ना। अच्छा, तो इसलिए अब अच्छा ये बताएं कि एक ड्रामा आया था जिसका नाम था हम सब अजीब हैं। आपका हम सब अजीब हैं, क्या आप एमन और मुनीब के ऊपर था? मैं बस अपने घर घर में खेल जाती हूँ, एमन और मुनीब का था। एमन मुनीब मेरी स्टोरी थी बस। ये बताएं कि आपके शोबिज में किसी से चक्कर क्यों नहीं चला? क्योंकि कोई पसंद ही नहीं आया ना, मैंने कोशिश की। नालायक है सारे शोबिज। सारे के सारे। मुझे शोबिज में कभी चलाना भी नहीं था। वैसे भी एज भी क्या है इनकी? एमन ने पता नहीं क्यों चलाया, ये मुझे नहीं पता। आपको इस लाइक कोई नहीं लगा शोबिज के अंदर ऐसा? चलते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ, क्योंकि इतनी नन्ही उम्र में आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। मैं टोरंटो अवार्ड्स पे इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे इकॉनमी टिका रहे थे और हानिया को बिजनेस लाते थे। गलत गलत, मुझे इनवाइट ही नहीं किया। सही। और भी हमें इंडस्ट्री की चीजें मिलवानी। मुझे जब लोग एमन कह के बुलाते हैं तो मैं बन जाती हूँ और उनको चरिया बनाती हूँ। हाँ, जवाब दे देती हूँ। मैं अपनी बहन की गलतियों से सीख के अपना काम सही कर लेती हूँ। मेरा इशारा आप समझ रही हैं? नहीं, मैं खुद अपनी गलतियों से सीखती हूँ। उष्णा शाह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, मैं उष्णा को जानती नहीं हूँ। जानती भी नहीं हूँ? जानती हूँ, आई नो हु उष्णा शाह इज, बट दोस्ती नहीं है। जब को एक्टर्स बदबूएं छोड़ते हैं तो मैं सांस बंद करके सीन करा लेती हूँ। बदबूएं को मैं बबल ऑफर कर देती हूँ, क्या कभी उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है? तो बगल क्या, बगल में लगा लेती हूँ। बबल नहीं, मुंह से स्मेल आ रही होती है मुझे, खाने वाला बबल। बीओ बीओ बॉडी की अगर बात हो रही हो तो उनको उनको पता क्या किया जाएगा, अगली उनकी बर्थडे पे उनको इतना बड़ा कार्टन दे दीजिएगा डिओड्रेंट, ठीक है ना, और ऊपर स्टिकर लगाइएगा कि इसमें प्रेस मी यूज प्रेस मी। मुझे और एमन को एक दफा एक ही बॉय से प्यार हो गया। नहीं, फॉल्स। हाँ, गलत है। ओके जी, चलते हैं हम अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल राउंड की तरफ। मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है। क्यों, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बिकॉज़ एवरीबॉडी कॉपीज इट, वर्न एंड एचएसवाई, ठीक है, उसको आप रैपिड फायर नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है, जो पहला वर्ड दिमाग में आया वो आपने बोला। रेडी है? ठीक है ठीक है। जोरू का गुलाम, फ्लॉप। हिना दिल पजीर, टैलेंटेड। पाकिस्तानी सिनेमा, ग्रोइंग, रिवाइविंग। गिला किससे करें? मुझसे। आपसे कर दूं सारे गिले? कर दे। आपका डिनर मिस हो जाएगा फिर। कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊं। मैंने शुरू होना है ना, फिर बस सारे गिले शिकवे कर दूंगा मैं। ज़ारा नूर अब्बास, ज़ारा अ फ्रेंड, अ फ्रेंड। एमन खान, माय सिस्टर। मुफ्ते, मुफ्ते
मैं मुफ्ती नहीं हूँ. मुफ्ती तो ब्रांड है ना. उनको मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको हम नहीं मिलना चाहते, आपसे अगर बात नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ हमसे दूर रहने की कोशिश करें, ना चिपके हमसे बार बार. ठीक है, मैं बहुत दूर रहूँगा आपसे. आपको थोड़ी कहा है मैंने, आपसे तो मेरी अभी मैं सारा इंटरव्यू ऐसे हम फ्रेंड्स हैं, आपसे नहीं कहा. हम फ्रेंड्स हैं, हम वी आर आल्सो फेसबुक फ्रेंड्स है ना. आई लाइक ऑल योर पिक्चर्स. थैंक यू. आयजा या दानिश? आयजा. इकरा के हानिया? इकरा. अरमीना के कुबरा? कुबरा. कुबरा. महवेश हयात के माहिरा खान? माहिरा खान. वॉफल्स के पैनकेक्स? वॉफल्स. ठीक है, कॉफी? कॉफी. कॉफी पक्की बात है. अब चाय का इख्तियार ना कर देना चाहिए. बर्गर या बंद कबाब? बर्गर. वकार ज़का के साहिल लोधी के दोनों? कोई भी नहीं. शहरा मुनव्वर के आहद रज़ा मीर? आहद रज़ा मीर. अली ज़फ़र के आतफ? आतफ. कोक स्टूडियो के दुसानी स्टूडियो? कोक स्टूडियो. जवानी के लोड वेडिंग? क्या बताया? आई थिंक लोड वेडिंग. लोड वेडिंग, गुड. यासर हुसैन की असर थी? यासर हुसैन. मेरा चलते हम अपने जजमेंटल राउंड की तरफ. ये जजमेंटल राउंड स्पेशली जात किया था. तैयार है? क्या आप नशा करती हैं? ना आपने बोटॉक्स कराया? नहीं. क्या आप बड़े होंठ लगवाने का इरादा रखती हैं? नहीं. क्या आप अमीर बच्चे से शादी करेंगी? नहीं. सब कुछ नहीं. क्या आपने कभी बकवास ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए किया है? हर कोई करता है. क्या आप कभी हीरो चेंज करने की फरमाइश आपने की है कभी? हाँ. किसको निकालो? मैं नहीं करूँ. बड़ी तू सलमान खान. क्या आप लोग डिनर पे बुला के बिल के टाइम पे वॉशरूम पे चली जाती? नहीं, झूठ है, ऐसा नहीं है. क्या आप सनम चौधरी की तरह डांस कर सकती हैं? नहीं. क्या आप फरियाल महमूद की तरह जिम में उल्टी लटक सकती हैं? नहीं. वही कर सकती है यार, हिम्मत है उसकी. मुझे लगता है पहले वो सर्कस में काम करती थी इधर से जब वो मोटी थी. उस पर क्या आप अवार्ड्स पे लानत भेजती हैं? लानत नहीं, नहीं भेजती लानत. नहीं. क्या आप वाकई हानिया की दोस्त हैं या उसके साथ इसलिए हैंग करती हैं क्योंकि वो आपकी हाइट की है? मैंने हानिया से मेरी इतनी दोस्ती नहीं है, एक दो बार मुलाकात है. हाँ, अगर हानिया के जगह इकरा होती तो मैं यही कहती क्या ऑप्शन से हमारे. मिनाल, इनमें से कौन सा कैप्शन किसको शोबिज में ज्यादा सूट करता है? ठीक है, ठीक है. वन, स्वीट लाइक जलेबी? माहिरा खान. वेरी गुड. जलेबी की तरह सीधा या सीधी? क्योंकि जलेबी ऐसे होती है. जलेबी की तरह सीधी कौन है? इकरा. टू चीज बड़ी है मस्त मस्त? माया. माया ली. वेरी गुड. मस्त है. चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई? सबा कमर. सबा कमर पीती है सबा कमर. आई थिंक मैं खिलाड़ी तू नारी. बेबी यू आर अ फायरवर्क. किस पे सूट करता है हमारी इंडस्ट्री? याद करने की कोशिश. क्या बोला ने? पटाखा सी जो है. मेरे हाल से हानिया. हानिया में. हानिया. वेरी गुड. आखिरी बार प्यार कब हुआ था? आखिरी बार 4 साल पहले. और सेकंड लास्ट बार प्यार कब हुआ? सेकंड लास्ट बार नहीं हुआ, बस वो पहला और आखिरी वही था. उसके बाद झूठ क्यों? लायर. मैंने क्या किया है? कौन सा झूठ है आप बताएं? मतलब जब ये 16 की थी तब हुआ था. और मैंने अभी अभी एक बहुत अच्छा सा एपिसोड रिकॉर्ड करवाया है फॉर द वॉइस ओवर मैन, और बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे इसे यूट्यूब चैनल पे. सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बिकॉज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ. बड़ा अच्छा. डन डन. आई होप आप हमारा भी रिएक्शन देखें. अच्छा इंटरव्यू था, और मुझे देखकर लगा कि एमन की शादी से पहले का इंटरव्यू था, क्योंकि एमन से रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं किया इन्होंने. हाँ, बट लव लाइफ से रिलेटेड किया. हाँ, एक क्वेश्चन था एमन और मुनीब भट्ट का, जो मुनीब भट्ट से शादी हुई उनकी, और वो गलती दोहराएंगे वो वाला क्वेश्चन. वो बहुत इंटरव्यू के हमेशा से एंटरटेनिंग रहे हैं, और मीनल को ऐसा पहली बार देखा मैंने ऐसे, मतलब रियलिटी वेस शो में पहली बार देखा है मीनल को बिना किसी के डायलॉग के पड़े बोल रही है. तो ऐसे बोलते हुए ना बड़ी क्यूट सी लग रही है, मतलब वो बात है. एमन खान जो है थोड़ा मैच्योर लग रही थी, इनकी एज भी कम है, इनकी छोटी बहन है. छोटी तो क्या, दोनों की एक ही एज होगी? ट्विंस है ना. हाँ, ट्विंस है ऑब्वियसली, पर मुझे देखकर लगता है वो बड़ी ही है छोटी. देख भाई, ट्विंस में भी मैच्योरिटी अनमैच्योरिटी ये दो चीज होती है. वैसे मैच्योर ही है, अनमैच्योर तो बोल ही नहीं सकते अपन. नहीं, मतलब एमन खान इनके कंपैरिजन में 19 साल उम्र हो सकती है यार इनका. मतलब 4 साल पहले इनका रिलेशनशिप था किसी के साथ, इन्होंने बताया 4 साल पहले, मतलब 15-16 की एज में हो जाता है यार.
आजकल तो मुझसे कल एक 12 साल की लड़की बोलती है, बोले मेरा ब्रेकअप हो गया, मैंने होमवर्क कर लिया। तो कुछ भी हो सकता है आजकल। ये बात सही है यार, छोटे छोटे बच्चों को ब्रेकअप हो रहे हैं वैसे तो यार 16 साल की एज में सब फीलिंग्स आ जाती है, तो हो सकता है हमें भी हुआ। सो गाइज, वी होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।